अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो इन रेमेडीज एंड रिव्यू। उम्मीद करूँगी कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में एक अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पर रिव्यू लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये जो रिव्यू है आपको पसंद आएगा। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट पर रिव्यू लेकर आई हूँ उसका नाम है सॉफ्ट टच मिनरल मास्क, यानी कि गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक का एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैंने रिव्यू दिया है। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, मैंने इसे यूज़ किया और इसके रिजल्ट बहुत ही कमाल के हैं। जैसा कि मैंने पहले भी सॉफ्ट टच के एक जो है टोनर पर एक रिव्यू दिया था, उससे पहले मैंने इसके एक फेशियल पर रिव्यू शेयर किया था। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने यूज़ किए हैं जिसके रिजल्ट बहुत ही कमाल के हैं, और मैं आइंदा भी इसके प्रोडक्ट यूज़ करके आपके साथ इसके अच्छे रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ना, इस मास्क को मैंने जो है लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, और इसकी जो प्राइस है वो मुझे याद नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी। उसके अलावा इसको हम जो है फेशियल के बाद, कंप्लीट फेशियल के बाद जो है अप्लाई करते हैं। अगर आपने स्किन पॉलिश की है आप उसके बाद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आपने स्किन पॉलिश किया है यानी कि ब्लीचिंग की है अपने फेस पे, तो ये आपके फेस को जो है कूलिंग इफेक्ट देता है। ब्लीच की वजह से जो हमारी स्किन पे जलन होती है ये उसको काम डाउन करता है। उसके अलावा स्क्रब के बाद ये हमारी स्किन के जो पोर्स ओपन हो जाते हैं उनको क्लोज करता है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है। जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे फेस को भी, हमारी स्किन को भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो ये मिनरल का ही काम करता है, हमारी स्किन स्किन को जब मिनरल्स प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जनाब रेड सी वीट न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं। उसके अलावा जो है ये मुझे 75 ग्राम रिसीव हुआ है। तो जनाब इसकी एक्सपायरी जो है यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा ये जो है प्लास्टिक जार बॉक्स में है। इसका जार बॉक्स जो है बहुत ही खूबसूरत है, इसकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है। इसकी पैकेजिंग अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये डबल पैकेजिंग में है अंदर से। इसके कैप के बाद एक और कैप है जिसको कवर करता है। इसको स्किन पे अप्लाई करना बहुत ही ईजी है, और जिन लोगों के डार्क सर्कल हैं वो अपनी आईज़ पर ज़रूर इसे अप्लाई करें। इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। तो जनाब इसको अप्लाई करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। आपने इसे जो है इसे अपनी इंडेक्स फिंगर से अप्लाई नहीं करना, बल्कि इन 3 फिंगर से अप्लाई करना है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर में हीट ज़्यादा होती है जो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। तो आपने इसे अपनी इंडेक्स फिंगर से अप्लाई नहीं करना। उसके बाद जिन लोगों के डार्क सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये डार्क सर्कल्स को कम करता है। इसमें मिनरल्स होते हैं तो ये डार्क सर्कल्स को कम करता है, और जो है इसमें वाइटनिंग सीरीज भी मौजूद है। तो जनाब इसको मैं आपको अंदर से खोल के दिखाती चलूँ। इसकी जो पैकेजिंग है, मैं एक कैप के बाद ये सेकंड कैप। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद है, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाइट सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है इसकी, बिल्कुल वाइट कलर में है ये अंदर से। मैंने बहुत ही कम लिया है क्योंकि मैंने इसे अपने अपने हैंड पे अप्लाई करना है। आपने इसे इस तरह से अप्लाई करने के बाद, ये बहुत कम लेने के बाद बहुत ज़्यादा जो है आपकी स्किन पे लग जाता है। इसकी इतनी मकदार है कि 1 साल तो आपका कहीं भी नहीं जाता है। ये बहुत ज़्यादा मकदार में यूज़ भी नहीं होता, इसको ईजिली ये अप्लाई हो जाता है। बहुत ही सॉफ्ट है ये। इसको आपने 10 से 15 मिनट जो है अपने स्किन पर लगा कर रखना है। उसके बाद जो है आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है, और मास्क लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने मास्क लगाने के बाद कोई भी बात नहीं करनी, किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी, और आपने अपने चेहरे को पीछे की तरफ झुका कर रखना है ताकि आपकी स्किन टाइट रहे और आपकी स्किन जो है वो झुर्रियाँ पड़ने से बच जाए। इसे जो है आप अपने पूरे फेस पे तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन आपने इसे आंखों पे भी ज़रूर अप्लाई करना है। देन उसके बाद आप इसे गर्दन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वाइटनिंग सीरीज मौजूद हैं तो आपको इसे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसमें ऐसे मिनरल्स और वाइटामिन्स मौजूद हैं जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और इसकी सॉफ्टनेस को बहाल करने में मदद करते हैं। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि इसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मौजूद है जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हो जाती है। इसको लगाने के बाद स्किन खिंची खिंची नहीं रहती, इनफैक्ट सॉफ्ट, एक सॉफ्ट इफेक्ट आता है और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है। अपने इसको यूज़ करने के बाद जो है मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि कोई भी मास्क लगाने के बाद जो हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, इसलिए हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना चाहिए ताकि हमारी स्किन टाइट होने से बची रहे और किसी भी किस्म की झुर्रियाँ ना पड़े हमारे स्किन पर। तो जनाब मुझे इसे लगाए हुए तकरीबन अभी 5 मिनट ही हुए हैं, क्योंकि मैंने इसे आपके सामने अप्लाई किया है। तो मैं इसके ड्राई होने का वेट करूँगी, यानी कि 10 से 15 मिनट तक के मेरे यहाँ स्किन पर लगा रहेगा। इसको उसके बाद मैं वॉश करूँगी, देन इसके रिजल्ट
आएंगे। तो आपने भी इसे जो है अपनी स्किन पे 10 से 15 मिनट तक अप्लाई करना है, लेकिन जैसा मैंने बताया है कि आपने इसको अप्लाई करने के बाद बात बिल्कुल भी नहीं करनी, ताकि आपकी स्किन जो है झुर्रियाँ पड़ने से बच जाए। और मेरी रिकमेंडेशन पे आप इसे एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि आज के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, ये फेशियल्स के बाद यूज़ होता है, ताकि हमारी स्किन जो है किसी भी किस्म के रैशेस से, किसी भी किस्म की एलर्जी से बची रहे। जैसा कि हम अपनी स्किन पे जो है ब्लीचिंग वगैरह करते हैं तो स्किन जो है अफेक्टेड हो जाती है, या फिर हमारी स्किन पे जो है रैशेस बन जाते हैं, जलन होने लग जाती है, या एक्नी बन जाते हैं। और एक्नी स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो इसे यूज़ करें। इसकी अच्छी बात ये है कि ये ऑयल को कंट्रोल करता है, और एक्नी हमारी स्किन पे यानी कि ऑयल की वजह से भी होती है, लेकिन जो हीट हीट की वजह से एक्नी होती है, उस हीट को भी कंट्रोल करता है। और एक्नी स्किन वालों के लिए बहुत 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 बेस्ट है, वो इसे बगैर किसी फेशियल के यानी कि सिर्फ क्लींजिंग करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप वीक में 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वीक में 2 दफ़ा नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप 15 दिन में से 1 दफ़ा ज़रूर यूज़ करें। जिन लोगों की स्किन पर एक्नी है वो इसे ज़रूर यूज़ करें, 15 दिन में 1 दफ़ा इसे ज़रूर यूज़ करें, और इसके रिज़ल्ट जो है वो उनके सामने खुद आएंगे। जनाब इसके अच्छे रिजल्ट आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लेकर आ सकूं। तो जनाब ये था वो मेरा प्रोडक्ट जिसका नेक्स्ट रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसी तरह के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट पर कोई भी अच्छा रिव्यू या कोई भी अच्छी सी रेमेडी आपके साथ शेयर करें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी रेमेडीज़ और अच्छे से अच्छे रिव्यूज़ लेकर आ सकें। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। अल्लाह निगहबान।